साले दुनिया में सब लोग इतनी बड़ी बड़ी चोरी कर लेते हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। उससे थोड़ी सी क्या गलती होगी, सब लोग के सामने दलील कर दिया। यार तू मॉर्निंग शो कर रहा है और वो सना वाला गॉसिप शो भी। वैसे भी ताहिर ने कहा है कि जब तक तुझे कहीं और काम नहीं मिल जाता तब तक तू यहीं काम कर, बस उसे रिपोर्ट ना कर। इतनी बेइज्जती की बात तो काम ना ही करना अच्छा होता है। ठीक है, अब से मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, सारे शोज तू देख ले। मैं अकेला सारे शोज कैसे हैंडल कर सकता हूँ भाई? यार उसे सबके सामने मुझे जलील तो नहीं करना चाहिए था ना, इतना अजीब लग रहा था सबके सामने, वो पता नहीं क्या क्या कह रहा था। मैं जानता हूँ कि वो प्रेशर में था, गुस्से में था, अकेला भी तो कुछ कह सकता था ना, सबके सामने जलील तो नहीं करता यार। यार तू अब भी अपना ही सोच रहा है, अब भी? तेरे पास वक्त है ये सब सिचुएशन को दोबारा डील करने का, ताहिर का ट्रस्ट दोबारा गेन करने का। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कहूं। तू भाग तो नहीं यार? ताहिर ने कुछ सोचकर ही फैसला किया है ना तुझे दोबारा इस चैनल में रखने का। शायद वो तुझे एक और चांस देना चाह रहा है। बात समझ, इस गलतफहमी में नहीं रहना कि वो मेरी फेवर कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस वक्त कोई नया डायरेक्टर आ जाए ना, वो 2 मिनट में मुझे यहाँ से निकाल बाहर करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट शो से तो उसने मुझे निकाल ही दिया है। अब मेरी मजबूरी है कि मेरे पास कोई और काम नहीं है, मगर ये तू मत समझना कि वो मेरे लिए कुछ कर रहा है। और करे भी क्यों, आखिर बताना क्यों करे? खैर मजीद मैं इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि यूजलेस है। वैसे मेरी एडवाइस लो तो तुम्हें अपने आप को एक और मौका देना चाहिए, शायद वक्त के साथ तुझे खुद समझ आ जाएगी कि आखिर तूने किया क्या है। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम यहाँ करो, शौकी जाने का इंतजार। तुम उठो यहाँ से, जाओ चलो, मुझे उससे कुछ बात करनी। गो गो गो। तुम अपने आप को इतना इनसिक्योर क्यों फील कर रही हो? क्या वो जो मैं तुमसे ज्यादा अट्रैक्टिव, हो सकता है कि तुम ही उसे पसंद आ जाओ? शट अप पिंकी, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, मेरी शादी होने वाली है उससे। मेरा मिलना भी बहुत जरूरी है स्वीट हार्ट। क्यों? वो मैंने अपने लोन्स खत्म कराने, समझा करो स्वीट हार्ट, हम आवाम को कहां मौका मिलता है इतने अच्छे पॉलिटिशियन से मिलने का। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि वो करप्ट है, फला है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, और तुम उसे जूते मारोगे। हाँ, मुझे क्या पता था कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, और फाइनेंस वाले को जूते थोड़ी मारे जाते हैं, बल्कि वो लोग जूते लगाते हैं अवाम को, टैक्सेस लगा लगा के। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शौकी का इंतजार कर रहे हैं। शौकी? शकूर शकूर, मुझे चाय बनाता है। शट अप, तुम्हें पॉलिटिशियंस का बिल्कुल पता नहीं है। शकूर अता खान आ रहे हैं। अच्छा, वो नहीं आ रहे, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से आज का शो कैंसिल हो गया। ओह नो, तुम्हें फिर से मेरा मेकअप करना होगा। तो वो तुम्हें जानी, रोजाना ही करता हूँ, कल फिर दोबारा। ये सब क्या है? वरीना के करतूत सर, मैंने आपको मना किया था, औरत के हाथ में पैसा नहीं थे। तो मुझे तेरा क्या फायदा है? तूने क्यों वरीना के हाथ में पैसे दिए? आपने कहा था क्या आज वरीना बहुत अच्छी लग रही है, जो मांगे दे दो। दे दिया सर। मैं अपनी बीवी के पैसे इतनी आसानी से खर्च नहीं होने दूंगा। बीवी के पैसे? कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें हंसने वाली कौन सी बात? मेरे घर के किचन का खर्चा महीने का 2.5 लाख रुपया है। फूल लगा डॉक्टर को, फूल लगा। जी जी सर, फूल लगा। हेलो जी डॉक्टर साहब, वो ए, तेरे को कितने का डॉक्टर को फोन करने का? जब हार्ट अटैक होने का फिर फोन करने का, बंद कर। जी डॉक्टर साहब, जब हार्ट अटैक होगा जब करता हूँ फोन। तो भी ना,
बैठ, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि अपना पैसा इस चैनल पे लगाओ। हैं? तू ऐसे कर दिया जाकर परीना को बेच, उसको कह के तुझे निजामी साहब बुलाने। एक तो ये औरत मेरी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाती है, लेकिन आज तू देखना तेरे सामने मैं परीना की वो तबीयत बनाऊंगा कि वो याद रखेगी। अरे फिर तो मैं जरूर देखूंगा सर। खड़ा हो जाए, स्टैंड। ओके सर। तेरा मेरा मजाक है? Who is boss? I am the boss. जा जा के परीना को बेच। देख, ये परीना को पैगाम देता है मेरा या उससे बातें करता है? अभी आ गया सर। जल्दी।